वेलकम। फाड़ के बारिश हो रही है, फाड़ के जान जाओगे। तेज बारिश हो रही है, मैंने सोचा भागो। वेलकम टू नासिक सिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:05। कई अरसों बाद व्लॉग हो रहे हैं, कई अरसों बाद किसी बाइक राइड पे जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो ये है पुणे का कि अभी बारिश का मौसम है। पुणे क्या, पूरे महाराष्ट्र में यही सीन है। इसका टेंशन है अपने को कि बारिश यार ज्यादा ना हो, ज्यादा हो गई तो थोड़ा ट्रिप में टेंशन आ जाएगा। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, निकलने का प्लान था अराउंड 6। वैसे इस राइड में मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम मैं आपको बताते जाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। फाइनली सब ताम झाम के बाद निकलने के लिए तैयार, ऑल सेट। निकलते निकलते बज गए 8:26 और बारिश हो रही है, बट ठीक है यार, मैनेज कर सकते हैं। वेलकम यार, बारिश तेज हो रही है। अभी चलते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं अपना राइड, 50 किलोमीटर करते हैं, उसके बाद जाके एक चाय ब्रेक लेंगे। ठीक है, लगता है थोड़ा लकी हो चुके हैं हम लोग, अपने को धूप की आशा जाग रही है। बारिश तो हो रहा है, मैं एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना हूँ क्योंकि कैमरा ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद से भूल गया है, मेरा वो मसल मेमोरी जो होता है ना वो भूल चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वागोली की तरफ, वागोली से एक थोड़ा आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लेना है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रिवील करता हूँ थोड़ी देर में। बाइक में किलोमीटर दिखा रहा है 40,163। जा रहे छोटे से राइड पे 250-300 किलोमीटर वाला ही, बट फिर भी इस बार थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। मे भी 2 साल के बाद राइड कर रहे तो उसके वजह से हो सकता है। ऊपर से मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ इस बार, एबीबी है मेरे साथ, तो थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। मे भी 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर करने के बाद थोड़ा ईज आउट हो जाएगा और फिर राइड करने में आसानी होगी। कंप्लीट कर लिया हमने 73, 83, 93, 33 किलोमीटर्स। आपातकालीन ब्रेक लेना पड़ा है क्योंकि यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़ा कैमरा वैमरा का भी टेंशन हो रहा है मुझे। अभी चलो आपको मिलाते हैं एबी से। सो फाइनली मीट एबी उर्फ अवरलीना भट्टाचार्य जी। और मैडम कैसा लग रहा है? अभी 33 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम चाय के लिए रुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अरे फ़ोन रहने दो, बात कर लो। ऐसा होता है पहले पहले जब आप कैमरा पे आते हो तो थोड़ा शर्म आती है, बट धीरे धीरे अकस्टम हो जाते हैं लोग। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। और सब मतलब बढ़िया? हाँ। कंफर्टेबल? कंफर्टेबल। चलो सही है। चीयर्स। वैसे अभी तक मैंने सबको लोकेशन नहीं रिवील किया, तो आप करना चाहो सबको, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नासिक। तो हम नासिक जा रहे हैं, 3 दिनों का प्लान है। नासिक इज़ अराउंड 220 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे, उसमें 33 किलोमीटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप है। अभी हम वेट कर रहे हैं तो देखो बाहर धूप है, पता नहीं क्या हो रहा है मौसम। वही ना, बारिश धूप कभी भी कुछ भी हो रहा है। हमने आज अपना गोप्रो दांव पे लगा दिया है क्योंकि गोप्रो वाटरप्रूफ रहता है ओनली टिल जब तक आप माइक सेटअप नहीं करते। जैसे आप माइक सेटअप करते हो तो गोप्रो जो है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता है। उठ गई, कंफर्टेबल। चाय वाय पी के हो गया अपना। 3 घंटे 39 मिनट्स मोर, 190 किलोमीटर्स टू गो नासिक। अरे यार ये फिर स्टार्ट हो गया, जब भी निकल रहे बारिश। बारिश ना हो तो वेदर बहुत अच्छा है, राइड करने के लिए बेस्ट वेदर है, बट बारिश होती है। कोई भी वेदर परफेक्ट नहीं है राइडिंग के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर वेदर में आपको परेशान करती ही करती है, बट ठीक है, यही मज़ा है। फिलहाल आप लोग व्यू एंजॉय करो और मैं हाईवे में जाके आपसे मिलता हूँ। फाड़ के बारिश हो रही है, फाड़ के। क्या सही स्ट्रेच है यार, क्या सुंदर पैच है। यहाँ के मंदिर के जो आर्किटेक्चर है ना वो अलग ही लेवल के है, बहुत सुंदर है यार। मतलब ऐसे कलरफुल भी है ऊपर से अच्छे। गलत रास्ता, वो कुछ उधर से रास्ता दिखा रहा है, वो तो रास्ता ही नहीं है भाई, वो तो कच्ची सड़क है। ये वाला जो रास्ता है ना वो कच्चा रास्ता है, उसके आगे से जाके हम लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, चलो चलो मैं समझ गया, चलते। ये रास्ता भी ख़राब है, वो रास्ता भी ख़राब है, अब आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से ख़राब रास्ते से जाओगे। ये आगे नेशनल हाईवे 61 पे, मैं बोल रहा हूँ कुछ खाना है। अभी एक काम करते हैं, 10 किलोमीटर में दिखा रहा है नासिक पुणे हाईवे आएगा अपना, तो
वो क्रॉस करके उसके बाद खाते हैं, ठीक है। नहीं कर पाए 100 किलोमीटर कंप्लीट। यार बहुत तेज बारिश हो रही है, मैंने सोचा भागो। तो अभी पहुंच गए समवेयर अराउंड 5.4 किलोमीटर बिफोर नासिक पुणे हाईवे, और यार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमने सोचा था कि पहले हम नासिक पुणे हाईवे जाएंगे, वहां से हम जाकर ब्रेकफास्ट वो करेंगे, बट देन यहाँ इतने जोर से बारिश हो रही है कि हमने सोचा कि नहीं छोड़ो यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बारिश थोड़ी रुकेगी तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और बारिश में पहला राइड, पहला 100 किलोमीटर कंप्लीट करके आपको कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल था, मजा आ रहा था। बारिश में ऐसा राइड मेरा पहला है। बारिश में नहीं, ये तुम्हारा पहला बाइक राइड है? पहला राइड है हाँ। ये पहला बाइक राइड है तुम्हारा? वही है। पहला बाइक राइड बारिश में। अभी हमने एक मिसल पाव ऑर्डर दिया है, यहाँ और कुछ मिल नहीं रहा है तो हम मिसल पाव खाएंगे। एक ही प्लेट ऑर्डर दिया है, थोड़ा सा खाएंगे, बारिश थोड़ी रुकेगी तो निकल जाएंगे। बाकी एबी को सब जानते हैं जो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते वो फॉलो कर लो, जान जाओगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं करेंगे। बारिश नहीं रुकी तो हम निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे और कोई नहीं खा के मिलते हैं। अभी बज रहे 11:56, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं बारिश तेज हो जा रही है, और जब अंदर बैठ रहे हैं तो बारिश रुक जा रहा है। तो अभी मैं अपना GoPro चार्ज कर रहा हूँ, GoPro चार्ज हो जाएगा, 10-15 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे। मैं अपना रेनकोट पहनने वाला हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और ये बारिश रुकने वाली है नहीं, ये बारिश होते रहेगा। यहाँ से भी एग्जैक्ट दिखा रहा है 130 किलोमीटर, 2.5 घंटे लगेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकले और हम अभी ब्रेक लेंगे नहीं, क्योंकि अभी ब्रेक की कोई ज़रूरत है नहीं। नाइन्टी किलोमीटर्स बिफोर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि आप बाइक सीधा चला रहे हो, आपके सर ऐसे हो जा रहे हैं, कभी ऐसे हो जा रहे हैं। बाकी हम रुके हैं फॉर द व्यू। जब से ये हाईवे में उठे हैं ना, उसके बाद से रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है, बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी आ चुका है। क्या बोलते हो आप, मिस ब्यूटीफुल? हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम व्यू के लिए रुके हैं, तो आप व्यू देखो, इन्जॉय करो, हम भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं, फिर 5 मिनट में निकलेंगे। ज़्यादा नहीं, अब यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे अपने पहुँचने में। अब कैसा है ना, स्टार्टिंग के जो 90 किलोमीटर थे ना, वो बारिश ने ही हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अभी तो धूप निकल गया है, अभी तो धूप निकल गया है, बारिश नहीं हो रहा है। हाँ वही ना, जब से मैं रेनकोट पहना हूँ धूप निकल गया है। तो रेनकोट पहन के ही रहे। चलो, यहाँ का हुआ कार्यक्रम समाप्त। आई होप आपको वो टाइम लैप्स पसंद आया होगा। पसंद आया तो भैया थोड़ा कमेंट वमेंट करिए, लाइक वाइक करिए, ठीक है। चलो फाइनली जो हमने 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, इसको रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं, ये मुझे भी आज पता चला। वेलकम टू नासिक सिटी। फाइनली पहुंच गए रूम में। राइट नाउ इट्स 3:55, 3:55, 4 बज के आते आते, तो हम घर से निकले थे अराउंड 8:40 आई गेस। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटे, क्या बात कर रहे हो यार। हम रह रहे हैं MBC सीटाडेल में। अभी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का टूर वगैरह जो भी है सब अगले व्लॉग में, तो टू बी कंटिन्यूड है। अभी जो सबसे पहला काम है वो फ्रेश होना है, हम फ्रेश होंगे
उसके बाद सोचेंगे आगे का कार्यक्रम क्या है। तो यहाँ का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है इस व्लॉग में, बट आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर। यू ओनली लिव वंस, सो लिव लाइफ किंग साइज। बाय बाय एंड टेक केयर माय पिलियंस। रूम में आने के बाद हम सीधा सो गए थे, फ्रेश फ्रेश होके, ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो कुछ प्लान कर भी नहीं पाए बाहर जाने का, तो हम सीधा सो गए थे। और जब आंखें खुली तो रात के बज रहे थे 11:30 और अपना होटल का रेस्टोरेंट भी क्लोज हो चुका था। तो लास्ट में हमने गूगल से चेक किया, अभी हम यहाँ हैं भाई जोडियक में। हमने कॉल किया था और स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि अगर आपका दुकान खुला है तो थोड़ा मतलब खाने वाने का कुछ जुगाड़ कर दो। तो गुड पीपल, उन्होंने कहा कि हाँ आप आ जाओ, 1 किलोमीटर जैसा है हमारे होटल से। तो हम अपना बाइक लेके आ गए और अभी अपना डिनर करेंगे और कल की ब्लॉग फिर नए से शुरुआत करेंगे।